दोस्तों आज हमारे पास है 2022 मॉडल बजाज की सिटी 110X जो कि नया कलर है और इसमें क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में डिटेल से जानने वाले जो भी डाउट होगा साइड आउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। आपको दो वेरियंट मिलता है इसमें, एक आपको मिल जाएगा किक स्टार्ट, दूसरा सेल्फ स्टार्ट। ये सेल्फ स्टार्ट है जो कि टॉप मॉडल है। किक स्टार्ट की प्राइस की बात करें तो ऑन रोड आपको पड़ने वाली है मुंबई की पाइनर बजाज की, आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 78,000 रुपये, और सेल्फ स्टार्ट की आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगी 84,000 रुपये। सो अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। ये नया कलर है ब्लैक कलर जो कि आप देख पा रहे हो, ये कुछ ऐसे दिखने वाला बहुत ही खूबसूरत सा। इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है। सबसे पहले आपकी नजर पड़ने वाली है इसकी हेडलाइट पे। हेडलाइट आपको हैलोजन मिलने वाले जो कि राउंड शेप में रहने वाली, बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। साथ में आपको ग्रिल मिल जाएगी प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर आपको DRL मिल जाता है जो कि LED मिलने वाला है, और ऊपर नंबर प्लेट आपका लगने वाला है। और ये रहा इसका इंडिकेटर जो कि आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाला है। ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो DRL ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, और इंडिकेटर ये रहा साइड में, ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। और हेडलाइट के लिए आपको यहाँ पे एक स्विच मिल जाएगी, मैं ऑन कर देता हूँ। अभी देखो आपकी हेडलाइट ऑन हुई होगी। मैं हाई बीम करके दिखा देता हूँ, ये रहा हाई बीम पे ऐसे कुछ दिखने वाला है, लो बीम पे ये रहा। और अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सो दोस्तों ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली, मिरर आप देख सकते हो इधर से कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। सो ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है। आपकी नज़र पड़ने वाली इसके मडगार्ड पे आपको सिंपल से मिल जाएगा ब्लैक मैट फिनिश में, और सस्पेंशन आप देख रहे हो आपको मिल जाएगा फ्रंट में टेलीस्कोपिक। साथ में आपको यहाँ पे कवर भी किया गया है ताकि आपका सस्पेंशन खराब ना हो और आपको रिपेयर करने की जरूरत बार बार ना पड़े। और अभी हम बात कर लेते हैं रियर के सस्पेंशन के बारे में। रियर में आपको मिल जाएगा स्प्रिंग एंड स्प्रिंग सस्पेंशन जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये भी काफ़ी कंफर्टेबल सस्पेंशन रहने वाला है। और अभी हम फ्रंट में आते हैं, इसके टायर की बात कर लेते हैं। टायर की बात करें तो आपको इसमें ट्यूब टायर मिल जाएगा जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है, और MRF ब्रांड का आपको टायर मिलने वाला है। टायर साइज आपको फ्रंट में मिलने वाले 2.75 का, और रियर का भी हम देख लेते हैं। रियर में आपको थोड़ा सा वाइडर मिल जाएगा फ्रंट के कंपेरिजन में। रियर में आपको मिलने वाला टायर साइज 3.00 का, MRF का टायर यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। व्हील की बात करें तो आपको एलॉय व्हील मिल जाएगी, 17 इंच एलॉय व्हील की साइज आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों में देखने को मिलने वाले। ब्रेक की बात करें तो आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा 130mm का फ्रंट एंड रियर में। साथ में आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है CBS, जिसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर का ब्रेक लगाते हो तो आपका अगला ब्रेक लगने वाला है 40-50-60%, डिपेंड करता है आप किस स्पीड पे हो। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाला है, और ये रहा इसका मड फ्लैग जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। और भी बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, जिसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया आप देख सकते हो। अच्छा खासा आपको प्लेट मिल जाता है। आप अगर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इंजन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये रहा इसका लेग गार्ड जो कि यूनिक तरीके से बनाया गया है जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। बाकी इंजन आप देख सकते हो फुल ब्लैक कलर के साथ में आएगा। किक आपको मिल जाती है, ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट, ये रहा आपका ब्रेक पैड, बाकी इंजन देख सकते हो। बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। इसके इंजन की बात करें तो आपको मिलने वाला 115cc का इंजन, जिसमें आपको पावर मिल जाएगी 8.6 PS एट 7000 RPM पे। टॉर्क आपको मिलने वाला 9.81 Nm एट 5000 RPM पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, टू वॉल्व, एयर कूल FI, और साथ आपको मिल जाएगा 4-speed गियरबॉक्स। सॉरी दोस्तों मैंने इसमें आपको FI बोल दिया, FI नहीं मिलने वाला, EFI मिलने वाला, मतलब आपको कार्बोरेटर इंजन मिलने वाला है। और अभी आगे का बात कर लेते हैं। आगे चल के देखें तो 110X की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है, और ब्लैक कलर का स्टिकर आप देख सकते हो। टैंक की बात करें, टैंक पे आपको टैंक पैड मिल जाएगा, और ऐसा कुछ आपको टैंक दिखने वाला है ब्लैक कलर में, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके साइलेंसर के बारे में। साइलेंसर ये रहा आपको साइलेंसर कवर मिलने वाली है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ में। ये रहा आपका प्लेन राइडर फुटरेस्ट, इधर आपको मिल जाएगा एक लगेज कैरियर आप बोल सकते हो, या फिर आप फुटरेस्ट भी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे आप लगेज भी कैरी कर सकते हो, आपको दोनों तरफ ऐसा मिलने वाला है। और सीट कवर का एरिया आप देख सकते हो ऐसे कुछ दिखने वाला है सिंपल सा। अभी हम देख लेते हैं इस बाइक का फुल व्यू। सो दोस्तों ये रहा इस बाइक का फुल व्यू, राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है। ब्लैक कलर बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, नया कलर है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये कलर आप लोग कैसा लगा। और अभी हम चलते हैं इसके रियर के सेक्शन पे, टेल सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। सो दोस्तों ये रहा इसका रियर का व्यू। रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। आपको यहाँ पे गैबरियल का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में टॉप रैक का भी दिया गया, यहाँ पे आप लगेज कैरी कर सकते हो। और ये रहा इसकी टेल लाइट, हैलोजन बल्ब मिलने वाली, इंडिकेटर बल्ब मिलने वाला, नीचे नंबर प्लेट आपका लगेगा। मैं ये टेल लाइट आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, बहुत ही प्यारी सी दिख रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका डिजाइन। सो ओवरऑल ये बाइक रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। और आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से देख लेते हैं बाइक कैसे दिखने वाली है। सो ये रहा सीट काउल कैरियर, जो कि सीट काउल कैरियर कुछ ऐसे दिखने वाला है। नीचे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा, साथ में लगेज कैरियर मिलने वाला है। एक्चुअली ये बाइक बनाई गई है डिलीवरी बॉय के लिए, लगेज कैरी करने के लिए। आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो इस बाइक का, वैसे बनाया गया, आप निकाल भी सकते हो लगेज कैरियर को। सो कुछ ऐसे दिखेगा। चैन कवर आपको नीचे मिलने वाला है, सस्पेंशन आप देख सकते हो, प्लेन राइडर फुटरेस्ट। आगे आके यहाँ पे टैंक के पास देखे तो आपको 110X की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जो कि कुछ ऐसे रहेगी। यहाँ पे आपको किसे एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपका टूल बॉक्स रहने वाला है। बाकी टैंक
आप देख सकते हो, सिटी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, टैंक पैड आपको मिलने वाला। अभी हम आ जाते हैं नीचे, इंजन की बात करें तो आपको फुली ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पेट्रोल टी मिलने वाली है, कार्बोरेटर इंजन आपको इसमें मिलने वाला है। सो नीचे की बात करें तो आपको साइड स्टैंड, डुअल स्टैंड, साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर आपको मिल जाता है। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाले हैं। इसमें चारों के चारों गियर आगे की तरफ लगेंगे एंड पीछे की तरफ उतरेंगे। और ये रहा आपका कैटलेटिक कन्वर्टर, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला, जिसे हम BSCC पहचान मानते हैं। अब हम देख लेते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। सो ये रहा इस बाइक का लेफ्ट साइड का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग बाइक कैसी लगी। हम बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट कंफर्ट, फ्यूल टैंक एंड मीटर कंसोल के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में। आपको लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है, जो कि काफी स्टाइलिश है, मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ में आपको व्हाइट कलर की स्ट्रेचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी दिख रही है। कुशनिंग की बात करें तो बहुत अच्छी कुशनिंग आपको मिल जाती है, स्पेस भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर मैं सच्ची बोलूँ तो 3-4 जन बैठ के इस पर राइड कर सकते हैं, लेकिन 2 जन बैठ कर राइड करना, मैं वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है। चाहे राइडर की बात करें या प्लेयर राइडर की बात करें, आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलने वाला है। और ऐसा कुछ आपको टॉप रैक वाला एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे आप लगेज भी कैरी कर सकते हो। और हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, जो कि आपको मेटेलिक मिलने वाला टैंक। आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे ये कलर सबसे अच्छा लगा 110X का। इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको मिलने वाला 10.5 लीटर का, और माइलेज मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगी 65 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। और हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। की पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ऐसी छोटी सी क्यूट सी की मिल जाएगी, और अभी मैं ऑन कर देता हूँ। सो ये रहा इसका मीटर कंसोल, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपका स्पीड शो करेगा, ओडोमीटर बताने वाला है, आपका फ्यूल का बताएगा, न्यूट्रल का, इंजन माल फंक्शन लाइट, अपर डिपर की लाइट, ऐसा कुछ आपको कूल सा मीटर कंसोल मिल जाएगा। बेसिक से आपको जानकारी मिलने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके रेसिंग हैंडल बार के बारे में। थ्रोटल रहा, ब्रेक लीवर रहा, या आपका हेडलाइट का स्विच मिल जाएगा ऑन ऑफ करने के लिए, आपका सेल्फ का ऑप्शन मिल जाएगा, और सिंगल पीस में आपको रेसिंग हैंडल बार मिल जाएगा। वाइब्रेशन कम करने के लिए यहाँ पे रॉड लगाया गया है, जो कि कुछ ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप गमछा वमछा कुछ लपेट सकते हो, या आपका अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पे आपका पासिंग का लाइट मिल जाएगा। ये आपको हो जाता है क्लच लीवर, मिरर आप देख सकते हो, ऐसे कुछ आपको मिरर मिलने वाले हैं। अभी हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इसकी विड्थ आपको मिलने वाले 753 mm, लेंथ है इसकी 1998 mm, हाइट है इसकी 1098 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलने वाले 10.5 लीटर की, सेडल हाइट है इसकी 810 mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत अच्छा मिल जाता है 170 mm का, व्हील बेस है इसका 1285 mm, और इसका वेट आपको मिलने वाला 118 kg। कलर ऑप्शन की बात करें तो पहले ये 3 कलर ऑप्शन में आती थी, अभी ये 4 कलर ऑप्शन में आपको मिलने वाली है। सो दोस्तों आप लोगों ने जाना इस बाइक के बारे में, ये नया कलर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कैसा लगा ये कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले इसमें 3 कलर आते थे, अभी ये 4 कलर हो गया। पहले आपको ये ब्लैक मिल जाएगा, दूसरा आपको मिलने वाला हमारे पास है 2 कलर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका दूसरा कलर मैट ग्रीन, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला बहुत ही खूबसूरत सा, और तीसरा ये आपको मिल जाएगा रेड एंड ब्लैक, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला जैसा कि आप देख पा रहे हो, और चौथा आपको मिलने वाला है ब्लैक एंड ब्लू। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये कलर आप लोग कैसा लगा। और इसमें चेंजेस की बात करें तो कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ नया कलर एंड ग्राफिक आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एक 125X नाम से बाइक आई है, उसका रिव्यू जल्द जल्द आ जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।